कांग्रेस प्यार और प्रेम की बात करती है, विकास की बात करती है। कांग्रेस अपने काम के आधार पर वोट मांग रही है, बीजेपी अपने झूठ के आधार पर वोट मांग रही है। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए गलत वीडियोज बनाकर, गलत प्रचार करके चुनाव जीतना चाहती है। गलत आधार पर चुनाव में सफलता नहीं मिलेगी बीजेपी। चुनाव इस बार कांग्रेस के फेवर में जा रहा है। दिन पर दिन आप एक बात नोट कर लो, दिन पर दिन कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही है और दिन पर दिन बीजेपी कमजोर हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तो कल मुझे कहा, जयपुर में जितने टिकट दिए हैं वो सारे पैसे लेकर मिल गए। वो यही नहीं जानते जितने उम्मीदवार आए हैं उनको कोई जानता ही नहीं है। बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार खड़े कर दिए जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देखा ही नहीं, इन उम्मीदवारों जो कभी सड़क पर जयपुर में काम ही नहीं किया। तो आखिर बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं खुद कि साहब हमारे यहाँ पे तो पैसे लेकर टिकट दे दिए। जो लोग यहाँ रहते नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको टिकट दे दिए, जिन्होंने कभी 5 साल में काम नहीं किया उनको टिकट दे दिए। अब ऐसा पाप हो सकता है? राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक्स प्रेसिडेंट अशोक लाहोटी का टिकट काट दिया इन्होंने, यंग आदमी बिल्कुल बेवजह काट दिया, जीते हुए नए नए लोगों को ले आए। अब जो इन्होंने काम किया हर जगह हर सीट पर, तो अब रिएक्शन है बीजेपी के कार्यकर्ता खुद कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। उनके समझ में आ गई कि बीजेपी में तो सिर्फ एक ही बात चल रही है कि हमारे चिन्ह को देखकर वोट दो। कार्यकर्ता का कहीं नाम नहीं ले रही बीजेपी, तो खुद कार्यकर्ताओं को अवॉइड कर रही, कह रही कार्यकर्ता थोड़ा ना जिताता है, बीजेपी का निशान जीतता है। अरे भैया, बीजेपी का निशान या कांग्रेस का निशान तब चलता है जब कार्यकर्ता कांग्रेस और बीजेपी के निशान को चलाता है। कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टियां चलती है, अपने आप नहीं चलते झंडे, झंडे उठाता है कार्यकर्ता। आज बीजेपी को के नेताओं ने तो कार्यकर्ताओं को चैलेंज कर दिया, कार्यकर्ता किसी और लोगों के साथ घूम रहे थे 5 साल तक, आज अचानक नए लोग आ गए। अब उन नए लोग आकर वो चाहते हैं, उनका पता नहीं चलेगा जयपुर में 8 में से 8 सीट जीतेंगे। और आज कह रहा हूँ राजस्थान में 156 का नारा सफल होगा, कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ आएगी। ये तो पुरानी बात हो गई ना, पुरानी बात हो गई। आप छोड़ो यार, आपको दूसरी बात बोलो, आप जरूरी है क्या आपके क्वेश्चन का जवाब? अरे दे दिया ना जवाब, इतना काशीराम की बहुत है, बहुत है। और बोलो आपका कोई जवाब है? आप अकेले पूछोगे क्या? पूछ लिया आपका सवाल, आपके सवाल का जवाब नहीं देना। सवाल वो बोला जाता है जिसका कोई महत्व हो। सवाल आप बोलो, चेहरे सामने आए, आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की अवहेलना हुई है, आपका भी एक मंत्री का टिकट कटा है, और नए चेहरे आए तो क्या आपके लिए चुनाव आसान होगा? देखिए, नए चेहरे जो आए हैं, एक बात आप मानकर चलना, वो नए चेहरे बीजेपी लेकर आई है। तो बीजेपी जो नए चेहरे लेकर आई है उनके लिए बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा है कि साहब ये कैसे आ गए, हम तो इनको जानते ही नहीं है, विरोध हो रहा है जबरदस्त। वो वीडियोज मैंने नहीं डाले, वीडियोज तो अपने आप बीजेपी वालों ने डाले, आप देख लो। वो इसलिए कि बीजेपी ये कह रही है कि आप कैंडिडेट मत देखो, आप तो हमारे निशान को देखो। तो कांग्रेस और बीजेपी के निशान को कार्यकर्ता चलाता है, अपने आप नहीं चलते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपमान कर रही है उस बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि बीजेपी का कार्यकर्ता चर्चा कर रहा है कि ये टिकट आई कहाँ से है, इनमें टिकटों में करप्शन का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, ये तो ट्विटर पे चल रहा है, सब जगह वो कह रहे हैं कि साहब पैसे खा के और बीजेपी के प्रत्याशियों को टिकट दे दी, हम तो इनका साथ नहीं देंगे। तो जब कार्यकर्ताओं का ही सम्मान नहीं हुआ, 5 साल तक कोई और थे, अब कोई और है, इसलिए बीजेपी को ये तय कर लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ग्रास रूट पे काम करके दिखाया हमने, हमारा काम लोगों के घरों तक पहुंच गया है, इसलिए राजस्थान में कांग्रेस की जीत तय है। राजस्थान का एक ही शेर, राजस्थान का एक ही शेर, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह।